गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम लोग जस्ट उठे। अभी हम लोग एक होटल में हैं, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे। और एसी चल रहा है, काफ़ी मस्त नींद आया रात को। तो अभी फिर से रेडी होंगे, अभी जाएंगे भैया के घर, क्योंकि हम लोग का कपड़ा वपड़ा जो भी है, हम लोग दादी को छोड़ने आए थे, लेकिन रात में इन लोगों ने बोला रुक जाने के लिए, तो रुक गए। अभी फिर जाएंगे घर पे और कपड़ा चेंज करेंगे, और फिर एक जगह जाना है जो कि आप लोगों के लिए सरप्राइज है। तो मैं आगे आप लोगों को रेडी होकर मिलता हूँ। तो गाइज, हमने होटल छोड़ दिया, अभी थोड़ा सा रोड पे जाएंगे और हम लोग अपना जो भी मिले हम लोग को जाने के लिए अच्छी सुविधा, उस पर हम लोग जाएंगे। तो चलिए आप लोगों से रोड पे मिलते हैं। तो गाइज, हमने ले लिया है टोटो और ये हम लोग अभी निकलेंगे बस स्टैंड के लिए, और ये लोग 30 रुपीज़ चार्ज करेंगे हम दोनों के लिए, जो कि काफ़ी सही है। और उतर गए हैं और अभी हम लोग बस स्टैंड के पास आ चुके हैं। क्या बोला भैया? तो अभी हम लोग आ चुके हैं बस स्टैंड, और अभी बस आएगी तो हम लोग देखते हैं कहाँ से निकलेंगे हम लोग। थे तो अभी बस स्टैंड पे, लेकिन भैया ने बोला कि चलो चाय पी के आते हैं, तो अभी हम लोग चाय पीने के लिए जा रहे हैं। चाय आ गई अपनी और अभी अपन चाय पियेंगे। बिस्किट भी लेगा क्या? हाँ, ये है कोलकाता की चाय, स्ट्रीट चाय, पहली बार पी रहा हूँ, देखता हूँ कैसा है। नहीं है गाइस, हुआ कुछ यूँ कि हम लोग के जो टोटो वाले भैया थे वो काफ़ी चालाक निकले, हम लोग को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया, दूसरे जो जहाँ पे ज़्यादा बस नहीं रुकता। आए थे हम लोग बस के लालच में, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है तो बस तो आने से रही, तो हम लोगों ने सोचा उबेर करने का, तो अब उबेर का वेट करते हैं। बुक कर दिया, बुक कर चुके हैं और आने वाला है कहाँ, तो अभी लगने वाले 4 मिनट, जैसा कि हमारा मैप बता रहा है, तो 4 मिनट में फिर उबेर आता है तो हम लोग चलते हैं। तो काफ़ी आ रहा है, लेकिन हम लोग को जहाँ जाना वहाँ के लिए एक भी बस नहीं आ रहा। फिर आ चुका है, चलने के बाद हमें एक गाड़ी वाले भैया मिले, मतलब उबेर वाले, और एसी चल रहा है तो काफ़ी रिलीफ मिला। बाहर में काफ़ी धूप था, काफ़ी गर्मी था, पसीना आप सब देख सकते हैं। आज का अपना प्लान है कि अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर बांसघनी के बगल में, और तो अभी हम लोग फिर मौसी के घर जाना है मुझे, मेरी मौसी जी का घर बगल में ही है एक, वहाँ से फिर वापस आऊँगा, यहीं पे आना है शाम को। सो यही आज का अपना पूरा प्लान है। और होटल का की हमने ले लिया था, क्योंकि अगर ऐसा हो तो हम लोग, हो सकता है तो या तो डायरेक्ट होटल जाएँ या फिर डायरेक्ट मैरिज हॉल जाएँ, ये तो शाम का प्लान है उसके अकॉर्डिंग। और दादी को हमने वहीं पे छोड़ दिया है, तो दादी आएंगी, दादी से हम लोग मिलेंगे शाम में, और अभी हम लोग चल रहे हैं बुआ जी के घर फिर से। और बैटरी इज अबाउट टू डाई, तो यहीं से ही ब्लॉगिंग बंद हो सकती है।
गाइज यहाँ पे आके मैंने एक चीज तो देखा है कि यहाँ खूबसूरती काफी ज्यादा है और यहाँ आपको कुछ रस नहीं मिलेगा वैसा कि ज्यादा कुछ इंगेज रोड के साइड स्ट्रीट फूड्स वगैरह वो आपको लिमिटेड जगह पे ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे काफी साफ है, आप लोग अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो, जैसे आप लोग फॉरेन जाते हो, लेकिन अपने देश में काफी कुछ ऐसे हैं जहाँ हम लोग विजिट कर सकते हैं अच्छे अच्छे जगह। हालांकि मैंने अभी तो कम ही किया है, बट यहाँ पे भी जो भी मैंने देखा मुझे काफ़ी साफ लगा और काफ़ी इको फ्रेंडली है। यहाँ पे आप पेड़ काफ़ी सारे मिलेंगे, स्ट्रीट साइड लाइट्स मिलेंगे जो भी हैं, मतलब लेकिन इलेक्ट्रिक बस मेट्रो जो भी है, आप इलेक्ट्रिक कार भी चलते हैं, सो जितने भी हैं अगर देखा जाए तो काफ़ी डेवलप्ड एरिया है इधर। इस अच्छे अच्छे जगह अपने देश में जो जो हैं वहाँ पे ज़रूर विजिट करें, लेकिन कम पैसे में भी लोग घूम सकते हैं, सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। गाइस मैंने एक चीज़ यहाँ पे और देखे, डेवलपमेंट्स आपको जगह जगह मिलेंगी नई चीज़ों पे। और अपने यहाँ क्या है कि आपको वो लोग उसी चीज़ को बनाने में लगे रहते हैं कि पक्की काम नहीं होती, अब 5 साल एक अच्छा रोड चलेगा फिर से उसकी जोता है, मतलब ऐसा है कि वो इतना जल्दी ख़राब होगा, फिर बहुत जल्दी फिर उसको बनाया जाएगा, फिर रोड टूटेगा फिर बनेगा, नई नई सरकारें आएंगी फिर से उसको बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग डेवलपमेंट पे काम करते हैं और आपको जैसे नई चीज़ें पुरानी चीज़ों को इतना ठोस बनाते हैं कि उन पर उनको सोचने के लिए कम से कम तो 20 साल कोई ज़रूरत नहीं होगी, जिस तरीके का यहाँ पे मेरे को देखने को मिलता है। और छोटी मोटी तो होती हैं बट जो परमानेंट चीज़ है उसे करने पे यहाँ पे लोग विश्वास ज़्यादा करते हैं, और हम लोग का तो टेम्प्रोरी होता है, वहाँ पे तोड़ेंगे फिर बनाएंगे, लोगों का तो सोचना ही नहीं। गाइस भैया का एक टी शर्ट लेना था तो अभी हम लोग पैंट लूम के शोरूम में आए हैं, देखते हैं क्या पसंद आता है इनको। हो गए हैं 7:00 बज चुके हैं और अभी हम लोग फिर से वापस वहीं पे जा रहे हैं जहाँ पर प्लान था, वहाँ पे आज कैंसिल हो गया था क्योंकि बारिश हो गई, तो अभी हम लोग फिर से वहीं जाएंगे और जहाँ आज जाना था वहाँ पे कल जाएंगे। गाइस ये काफ़ी ओल्ड फैशन क्या है, अजीब सा मास्क है, तो हमने एक नया मास्क लिया है। अभी फाइनली हमने मास्क ले लिया है, भैया ने बोला ये मैचिंग की तरह लग रहा है, तो शर्ट से हमारा मैचिंग मास्क मिल गया तो हमने ले लिया। और अभी हम लोग गाड़ी की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और गाड़ी अभी लेंगे फिर आपसे मिलते हैं। बेर आ चुका है तो ये अपना नहीं है, गाइज ये है क्लॉक टावर, ये काफ़ी पुराना है, अभी तो बहुत सारे जगहों पे लग गया है, लेकिन ये काफ़ी मस्त दिख रहा है। सबसे पहला जो अभी मैंने क्लॉक टावर दिखा है वो सबसे पुराना है यहाँ का कोलकाता का, जैसा कि जो भैया हम लोग के साथ में है ड्राइविंग सीट पे वो बताए। तो खूबसूरती तो मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी है यहाँ पे, और
काफी कुछ घूमने को, आप सब भी आओ और घूमो, काफी एंजॉय करो, सस्ता बहुत है यहाँ घूमना, सस्ता बहुत, ये बात तो है। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं जो हमारा होटल था जहाँ पे कल फंक्शन था वहीं पे हम लोग आए और अभी सारा अरेंजमेंट इसी में है विक्टोरिया में। तो अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से, भैया को बोलते हैं बाय। गाइस अभी टाइम हो रहा है 1:00 समथिंग और हम लोग अभी आए हैं और क्योंकि हमें और भी जगह घूमनी है, एक्सप्लोर करनी है। सो हालांकि अभी तक हम लोग ज़्यादा घूमे नहीं क्योंकि घूमने के लिए अभी किसी जगह पे नहीं गए, हम लोग बस गाड़ी से आते हैं जाते हैं, गए हैं नहीं किसी जगह घूमने। तो अब नेक्स्ट डे हो सके तो मैं आप लोगों को घुमाने के लिए ट्राई करूँगा। और अभी हम लोग आ गए क्योंकि शादी वादी देखना हम लोग के बस की बात है नहीं। सो अब हम लोगों ने खा पी लिया अच्छे से, खाना काफ़ी सही था और बाकी सब सही रहा और हम लोग निकल गए वहाँ से और अब हम लोग अपने होटल आ चुके हैं। सो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट करो, अभी ऐसा ही अच्छा अच्छा वीडियोज़ और भी आगे ट्राई करूँगा लाने का। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट करोगे तो मुझे
ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।